हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटर में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को लगातार आरआरबी एनटीपीसी के जो CBT-1 जो होने वाला है उसकी प्रिपरेशन लगातार करा रहे हैं, और इसके लिए हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं जो कि किरण पब्लिकेशन का है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट जो है ये सॉल्व करना बहुत ही सहायक होते हैं आपकी रेलवे की तैयारी के लिए। तो इसके मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहा हूँ, और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना शुरू करें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा, इसे शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ यदि अगर किसी प्रकार की कोई कमेंट आपको करनी है, कोई चीज़ बतानी है, पूछनी है, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछें, बताएं। अभी इसमें काफ़ी कम व्यूअर्स आ रहे हैं, काफ़ी कम देख पा रहा हूँ मैं कि कम लोग इसको व्यू कर रहे हैं। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए, और यदि अगर आपको इसमें कुछ ख़राब लगता है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं इसको और अच्छे से बनाऊं, या और कुछ भी अगर किया जा सकता है सजेशन दीजिए मुझे, तो मैं इसमें और बेहतर करने का प्रयास करूंगा। देखिए, ऐसा है कि टेक्निकली तो हम देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, करके हर चीज़ सीखते हैं यहाँ पर, और आप लोगों का ही विश्वास है जिसकी वजह से हम धीरे धीरे बेहतर करते चले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी यदि अगर कोई कमी रह जाती है तो आप लोगों के सुझाव का स्वागत है, बिल्कुल आप सुझाव दीजिएगा, निश्चित रूप से आप सुझाव दीजिए। कुछ कमी रह जाती है तो बिल्कुल बताइए, हम उसको पालन करने के लिए तत्पर हैं। फिलहाल हम अपना सेशन शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ते हैं, और इसमें लिखा हुआ है डाक मीटर का आविष्कार। डाक मीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि डाक मीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि जो डाक मीटर होता है ये होता क्या है, ये एक तरीके का एक कह सकते हैं कि एक मशीन होती है जिसमें जो पोस्टेज जो जितनी भी चीज़ें होती हैं उसका व्यापारिक इस्तेमाल किया जाता है जिनका। तो एक उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूँ कि सपोज दैट आप लोगों ने देखा होगा तमाम सारे पोस्टेज एनवलप्स आते हैं, और उन पोस्टेज एनवलप पे जब आपके पास में वो आता है, पूरा पत्र जब आता है, तो उस पर टिकट जो है वो पेस्ट नहीं होता है, चिपका नहीं होता है, बल्कि प्रिंट होता है, इस पर टिकट प्रिंट होता है। तो वो जो प्रिंटेड टिकट है और जो जिस कंपनी के द्वारा उसको मतलब भेजा गया है, या उसका वेट कितना है, उसको भेजने की डेट कितनी है, कितने रुपए का इस पे पोस्टेज लगेगा, ये सब ऑलरेडी जो है इस डाक मीटर में फीड कर दिया जाता है, और बल्क में कई सारे इस तरीके के जो है वो प्रिंट करके यूज़ किए जाते हैं और सेंड किए जाते हैं। तो इस तरीके की एक मशीन थी जो ऑटोमेटिक इस तरीके की चीज़ों को रीड कर सकती थी और प्रिंट कर सकती थी, और प्रिंट करके जो है उसको व्यापारिक चीज़ों में इस्तेमाल करने के लिए भेज सकती थी। तो उसको बोला गया डाक मीटर, और इसका आविष्कार जो है वो आर्थर पिटनी के द्वारा किया गया था, और आर्थर पिटनी जो है इनके एक सहयोगी भी थे वॉल्टर वोवेज करके, वो और उनके बेटे, उनका सौतोला बेटा था एक, उन तीनों लोगों ने मिलकर के मुख्य रूप से इनका ही नाम आता है, इन्होंने डाक मीटर का आविष्कार किया था। डाक मीटर का जो आविष्कार हुआ था, इसके लिए अगर एक पॉइंट और आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 9 दिसंबर 1901 को इसका पेटेंट हुआ था। 9 दिसंबर इस मशीन का पेटेंट जो है 9th of December 1901 को इसका पेटेंट किया गया था। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, रिंगवर्म नामक बीमारी के कारण क्या है इसमें में से? तो रिंगवर्म नामक बीमारी का कारण जो है भैया वो कवक है। कवक यानी कि फंगी जो होता है, फंगी ये इसका बीमारी का कारण है। रिंगवर्म एक तरीके से इसको हिंदी में दाद बोलते हैं, दाद नामक एक बीमारी होती है जो कि एक स्किन डिजीज है, ठीक है, ये फंगस के कारण होती है, फफूंद के कारण होती है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, मैंगी फेरा इंडिका निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये तो बहुत ही सरल सा आंसर है इसका, मैंगी फेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? मैंगी फेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है, आम यानी कि मैंगो का वैज्ञानिक नाम है, और साथ ही साथ यहाँ पर अमरूद की बात करी गई है, तो अमरूद का वैज्ञानिक नाम होता है भैया सीडियम ग्वाजवा, ग्वाजवा या ग्वावा कह सकते हैं आप इसको, सीडियम ग्वावा, ठीक है, सीडियम ग्वावा। आंवला की बात करते हैं तो आंवला का वैज्ञानिक नाम है आपका लिख सकते हैं रीबीस युवा क्रिस्पा,
ये जो है पा लिखा है क्रिस्पा, ये आंवला का वैज्ञानिक नाम है, और कटहल यानी कि जिसको हम जैक फ्रूट बोलते हैं इसका वैज्ञानिक नाम आप लिख सकते हैं ऑर्टो क्रेपस, ऑर्टो ऑर्टो क्रेपस क्रेपस ऑर्टो क्रेपस हेलोफिलस हेट्रोफिलस हेट्रोफिलस, ये जो है वैज्ञानिक नाम है आपका कटहल का। अमरूद को तो आपको मालूम है गुआवा बोला जाता है, आंवला को बोला जाता है इंग्लिश में आंवला को इंडियन गूजबेरी बोला जाता है, या फिर लैटिन लैंग्वेज में इसको फिलेंथस एम्बलिका भी बोला जाता है। आम को तो मैंगो बोलते हैं आपको मालूम ही है, और कटहल को बोलते हैं जैक फ्रूट। इनके वैज्ञानिक नाम भी आपको पता चल गए। केकड़ा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, केकड़ा प्रजाति किसके अंतर्गत आता है इनमें से, तो भैया केकड़ा प्रजाति जो है इनमें से ये आएगा आपका ऑर्थोपेडा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? ऑर्थोपेडा के अंतर्गत आएगा। मोलस्का में अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार से अकशेरुकी जीव होते हैं, जो कि जैसे सीप घोंगा वगैरह आपने देखा होगा वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। निडेरिया एक तरीके से सिलेंट्रेटा वर्ग के होते हैं, ये भी समुद्री जीव होते हैं, या फिर मीठे पानी के जो जल स्रोत होते हैं उनमें भी ये पाए जाते हैं, जैसे जेल फिश वगैरह है, कोरल वगैरह हैं। ठीक है, ऑर्थोपेडा का एग्जाम्पल आपने केकड़ा देख ही लिया। और प्लेटीहेलमिंथीज जो होते हैं इनमें अगर देखा जाए तो ये इसमें चपटे कृमि वगैरह जो होते हैं वो इसमें आते हैं, चपटे कृमि कृमि कृमि। ठीक है, फीता कृमि जैसे टेप वॉर्म वगैरह ये सब। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किया था मेंडलीव ने। किसने किया था? मेंडलीव ने। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में आपने जरूर सुना होगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी क्वेश्चन नंबर 5 में जो मैं आंसर दे रहा हूँ, मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में आपने सुना होगा। इनका पूरा नाम आप दमित्री मेंडलीव कह सकते हैं, ये रशियन एक साइंटिस्ट थे, या कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान के वैज्ञानिक थे, और इन्होंने 1869 में आवर्त सारणी की खोज करी थी। और ना सिर्फ इतनी बल्कि उन्होंने भविष्यवाणी भी करी थी कि कुछ आगे चल करके और तत्व तो खोजे जाएंगे, और उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में उनको उनके लिए रिक्त स्थान छोड़े थे जिससे कि उनको उसमें रखा जा सकता है। बाकी फैराडे न्यूटन और बोर ये भी अलग अलग कह सकते हैं कि साइंटिस्ट हैं। नील्स बोर जिन्होंने परमाणु मॉडल की जो है वो खोज करी है। न्यूटन ने तो आपको मालूम ही है तमाम गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति के नियम दिए हैं। फैराडे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है ये जो कह सकते हैं ट्रांसफार्मर वगैरह बनाने में, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संभारकों में क्या होता है? समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं। पहले ऑप्शन बिल्कुल सही है, संभार यानी कि आइसो आइसो बार बोला जाता है इनको, आइसो बार आइसो आइसो बार। तो आइसो बार की खास बात होती है कि इनमें परमाणु भार समान होता है लेकिन परमाणु संख्याएं जो है वो भिन्न होती हैं। ठीक है, ओके। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर स्थित है तंजावुर में, और तंजावुर जो है वो कहाँ है? तमिल तमिलनाडु में। कहाँ पर है भैया तंजावुर? तमिलनाडु में। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो मैथिली भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है बिहार में अगर देखा जाए, और मैथिली भाषा को सन 2002 में मैथिली भाषा को सन 2002 में 8वीं अनुसूची में जो कि भाषा से संबंधित है में शामिल किया गया था। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, ये 8वां हो गया, तो 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण से अच्छे पैसे को बाहर कर देता है? बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये कि पुरानी मुद्रा नई मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ये उदाहरण जो है दिया है ग्रेशम के लॉ के अकॉर्डिंग है, ये ग्रेशम का नियम बोला जाता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं ग्रेशम लॉ। अगर आपके जेब में आपको मालूम है कि एक उदाहरण के तौर पर एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, एक 10 की नोट है जो कि बिल्कुल नई नई है, और एक 10 की नोट है जो कि काफी पुरानी सी हो गई है, थोड़ा सा सड़ी गली सी है, तो आप अपनी जेब से पहले कौन सी नोट खर्चा करना चाहेंगे? ये वाली। तो चलन में कौन सी रहती है? पुरानी नोट। नई नोट जो है वो चलन में बाहर रहती है, तो पुरानी मुद्रा अच्छी मुद्रा नई मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ये बात यहाँ पर लिखती है, लिखा जाता है। आगे है सीएफसी के उत्पादन को घटाने के लिए प्रोटोकॉल है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले सीएफसी क्या है? सीएफसी है क्लोरो फ्लोरो कार्बन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ठीक है, सीएफसी।
और उसके लिए प्रोटोकॉल जो है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आपको ध्यान रखना है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो 1987 में हुआ था। कब हुआ था? 1987 में। ओजोन परत की जो क्षय हो रहा है, ओजोन की परत, उसको लेकर के चिंतन किया गया सभी देशों के द्वारा। आगे पूछा गया, पुणे कभी इनमें से किसकी राजधानी के रूप में माना जाता था? तो पुणे जो है वो सिंधिया, होलकर और भोसले की राजधानी नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से देखा गया पेशवा शिवाजी, जो जो आपने नाम सुना होगा शिवाजी महाराज जो है वो पेशवा थे, वो मुख्य रूप से जो है वो पुणे के ही कह सकते हैं राजाओं में से राजधानी के रूप में उनको जानी जाती है। सिंधिया भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं मराठा से ही रिलेटेड हैं, महाराष्ट्र से रिलेटेड हैं, पर कोई बात नहीं, ये तो अलग अलग जगहों पर राजवंश हैं उनके। पृथ्वी में, पृथ्वी के बारे में फिर में से कौन सी बात गलत है? तो यह सबसे घना ग्रह है, बिल्कुल सही बात है। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह, वो भी बात सही है। पांचवा का मतलब ये हो गया आकार के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, यानी कि ये चार ग्रह जो है वो सबसे बड़े ग्रहों में गिने जाते हैं। और उसके बाद पांचवा नंबर जो है वो पृथ्वी का आता है, तो पृथ्वी जो है वो पांचवा आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। इसे लाल ग्रह कहते हैं जी नहीं, इसे लाल ग्रह नहीं कहते हैं, इसका मतलब यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? थर्ड। तो इसे नीले रंग का ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी कैसे रंग की ग्रह है? नीले रंग की ग्रह है। और सूर्य से तीसरा ग्रह, बिल्कुल सूर्य से तीसरा ग्रह है, इससे पहले पृथ्वी से पहले दो ग्रह हैं बुध और शुक्र, बुध और शुक्र के बाद फिर पृथ्वी है, फिर मंगल, फिर बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, फिर उसके बाद बृहस्पति शनि अरुण वरुण, और पहले वन भी हुआ करता था, अब वन नहीं है। चलो अगला है, एक रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता को दक्षिण अमेरिका द्वारा, दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष 1962 में 27 वर्षों के लिए कारावास में रखा गया था। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये बहुत ही फेमस नाम है, और ये फेमस नाम किसका है? नेल्सन मंडेला जी का। तो नेल्सन मंडेला को सन 1962 से लेकर के 1990 के आसपास तक, 1990 के आसपास तक रंगभेद विरोधी होने के कारण, रंगभेद के पीछे आंदोलन करने के कारण जो है उनको, और स्वतंत्रता के बहुत बड़े वो कह सकते हैं कि आंदोलन करता थे, क्रांतिकारी थे, तो इस कारण से जो है कहा जा सकता है कि उनको काफी ज्यादा सुकून मिला, लेकिन बहुत ही ज्यादा उनको प्रोटेस्ट करना पड़ा था इन सब चीजों के लिए, काफी लंबे समय तक जेल जाना पड़ा था अलग अलग जगहों पर। और फाइनली देखा जाए तो जब ये अपनी विजय हासिल कर लेते हैं, अपने आंदोलन को जीत लेते हैं, तो बाद में सन 1994 में उनको मौका मिलता है साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनने के लिए। 1994 से लेकर के 1999 तक वहां के प्रेसिडेंट भी बने रहे, ये एक मुख्य बात है। चांद बीवी शासिका थी, तो चांद बीवी कहाँ की शासिका थी ये आपको बताना है। चांद बीवी की शासिका थी अहमदनगर की। कहाँ की? अहमदनगर दक्षिण भारत की एक जगह है, अहमदनगर गोलकुंडा बीजापुर के पास में पड़ता है, ठीक है। बीजापुर के एक कह सकते हैं कि शाह हुआ करते थे, उनसे जो है वो चांद बीवी का, उनसे कहीं ना कहीं चांद बीवी का मैरिज हुआ था। उनके शहर का नाम अली अबुल शाह था, वो बीजापुर के थे, ठीक है। तो चांद बीवी जो है वो अहमदनगर के साथ थी, और अकबर के साथ चांद बीवी का एक युद्ध भी हुआ था 1595 में, 1595 में चांद बीवी के साथ अकबर का युद्ध हुआ था। अहमदनगर विक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है अकबर के लिए। उसके बाद अगला है, कौन सा एक ऋण आयन होगा? देखिए ऋण आयन की अगर हम जब बात करते हैं तो देखिए जब भी किसी एक परमाणु में कोई भी एक, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, एक प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है, उसकी संख्या ज्यादा होगी तो उसका पॉजिटिव का प्राप्त करेगा। तो इस तरीके से मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि मतलब अगर कोई भी परमाणु में प्रोटॉनों की, अगर प्रोटॉनों की तुलना करूंगा, प्रोटॉन्स की तुलना में अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को यदि अगर बढ़ाया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर प्रोटॉन की संख्या से यदि ज्यादा होगी तो ये जो आयन बनेगा वो ऋणात्मक आयन होगा। और यदि अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या में प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाए तो फिर इसे हम धनायन कहेंगे। तो इस नियम को देखते हैं कहाँ लिखा है, ये तो पहले नहीं लिखा है। यदि इसमें प्रोटॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये जो है वो ऋणायन होगा, ये चीज हमें यहाँ पर कन्फर्म करनी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती हैं? धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती हैं? तो धातुएं विद्युत का वहन करने उत्प्लावन के कारण कर्कटन, देखिए मुख्य
से इलेक्ट्रॉन्स के कारण, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं इसी के कारण जो है किसी भी जो मेटल होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसका एक अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 84, उसमें संसद के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यताओं के बारे में बात करी जाती है। तो उसके अनुसार राज्यसभा जो है राज्यसभा के लिए एज जो है वो 30 ईयर होनी चाहिए और लोकसभा जो है उसके लिए जो एज है वो 25 ईयर होनी चाहिए। एज की अगर बात करी जाए तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या है वर्तमान समय में 12 और शुरुआत में पहले 8 अनुसूचियां हुआ करती थी और अब जो है अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है। ठीक है, इसी को आपको ध्यान रखनी है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। 23 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 23 जून सन 1894 को, 23 जून सन 1894 को ये जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो मनाया जाता है वो इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन पहली बार ओलंपिक आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत किसी दिन की नहीं थी, कभी नहीं थी फोर में। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा हुआ ट्वेल्व ईयर्स का स्लेव, ये एक किताब है, उस किताब के लेखक का नाम क्या है? तो ये बहुत ही फेमस बुक है और इस किताब के लेखक का नाम है सोलोमन नॉर्थप। और सोलोमन नॉर्थप जो है वो एक अमेरिकन राइटर है और इनकी इस बुक को 1853 में डेविड विल्सन द्वारा संपादित किया हुआ था। इनकी इसका पब्लिकेशन जो है वो 1853 में डेविड विल्सन के द्वारा किया गया था। उसमें इस तरीके से देखा जाए तो ये भी रंग रेत का शिकार हो गए थे और फिर इनको जो है गुलामी करनी पड़ी थी करीब 12 वर्षों तक। और फिर जब ये मुक्त हुए तो उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ के ऊपर ये 12 साल की जो गुलामी थी उसके ऊपर किताब लिखी जो कि बहुत फेमस थी, जिसको 1853 में प्रकाशित किया गया। बाद में चल करके 12 वर्ष अपने जो है वो एक मूवी भी बनाई गई जिसको जो है वो ऑस्कर अवार्ड भी मिले थे। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने टैप एंड पे नामक नई अभिनव एनएफटी मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित उत्पाद सहित भुगतान की पद्धति की घोषणा करी है? तो ये है आउट। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन किस निकाय ने प्रदूषण समस्या और पर्यावरण स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करी है? तो उसका आंसर है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने काम किया। किसने किया ये काम? वर्ल्ड बैंक ने किया। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन, देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का जो संगठन है वो है इंडियन रेलवे। और इंडियन रेलवे की बात करी जाए तो ये भारत का सबसे बड़ा क्या कहते हैं कि नियोक्ता है, नौकरी देने वाली संस्था है और इसी की आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि ये एशिया की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है इंडियन रेलवे। ठीक है, भारत में शायद उसका जो है स्थान विश्व में शायद उसका स्थान चौथा है 100% में। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? वैश्वीकरण से इसका क्या तात्पर्य है? वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? वैश्वीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है अपनी जो इकोनॉमी है उसको वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जो है एडजस्ट करना, उसी को बोलते हैं वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद पूछा गया, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए सरकार भारत सरकार का संगठन क्या है? तो भारत सरकार भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग बनी, इसको बोलते हैं सीबीटी 2, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और इसके अधिकारी को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बोला जाता है। तो सीबीटी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है जो कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का सहयोग करती है। कौन सा स्टेडियम भारत का पहला सौर ऊर्जा से लैस खेल स्थान है? तो पहला सौर ऊर्जा से खेल लैस स्थान जो है वो है चुन्ना स्वामी स्टेडियम, जो कि 2015 में पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो ये सोलर एनर्जी से बनने वाला पूरा ग्राउंड था, जो कि कहाँ पर है? बेंगलुरु में। वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है? तो आपको तो बहुत ही सरल सा आंसर है, वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या हो जाएगा? मोटापा हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है, वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा? शहरीकरण का मतलब होता है कि अगर आप कह सकते हैं कि अर्बनाइजेशन की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं, शहरीकरण की
आप अगर आप बढ़ रहे हैं, उसके लिए मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन। शहरों में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो स्टैब्लिश होने लगी, गाँव के जो लोग थे वो शहरों से काम करने के लिए जाने लगे, फिर उनके काम के घंटे जो है वो कई तरीके से नियंत्रित और अनियंत्रित होने लगे, तो लोग जो है पैसा कमाने के लिए गांव से शहर की ओर मूव कर रहे हैं, तो शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है। ये औद्योगिकीकरण है जिसके कारण से शहरीकरण हुआ था खूब ज्यादा। सामान्य व्यक्ति का औसत बौद्धिक स्तर IQ, उसको इंटेलिजेंस क्वोशेंट बोला जाता है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट IQ, उसको फुल शॉर्ट फॉर्म में IQ उसका, और ये सामान्य मनुष्य के लिए औसतन जो है वो 90 से 110 होता है। कितना होता है? 90 से 110। केचुए में श्वसन अंग का नाम बताइए। केचुए में जो श्वसन अंग होता है वो होता है उसकी जो जो स्किन होती है, गीली जो त्वचा होती है उससे वो श्वसन करता है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती नहीं है? यहाँ पर नहीं है बात करी गई है, तो राजस्थान से जाती, छत्तीसगढ़ और उत्तर से जाती है, उड़ीसा कहीं जाती है। 23.5 उत्तरी अक्षांश जो है, नॉर्दर्न लैटिट्यूड जो है 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड जो है, उसको हम लोग कर्क रेखा में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत में 8 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से गुजरता है भाई? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत में 8 राज्यों से गुजरता है। और ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? ये 8 राज्य हैं, पश्चिम से अगर देखा जाए तो गुजरात की शुरुआत होगी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और फिर मिजोरम। तो आपने देखा इसमें बीच में उड़ीसा का नाम नहीं आया, तो उड़ीसा जो है वो इसमें शामिल नहीं है, बाकी 8 राज्य मैंने आपको गिना दिए। बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं? तो बांग्लादेश की संसद कहलाती है जातीय संसद, और साथ ही साथ एक और पड़ोसी हमारा नेपाल है, तो नेपाल की संसद को बोलते हैं राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है, आगे लिखा हुआ मार्क जो है वो किसकी मुद्रा है? तो मार्क जो मुद्रा है उसको ड्यूक मार्क बोलते हैं। ड्यूक मार्क जो है वो आपका जर्मनी की मुद्रा है। इंग्लैंड की मुद्रा आपको मालूम ही है, पौंड स्टर्लिंग, और आयरलैंड और फ्रांस की एक ही मुद्रा है, इसको आप पौंड बोल सकते हैं। भारत की पहली महिला विधायी कौन है? तो भारत की पहली महिला विधायी जो है, यानी कि विधायिका जो है, विधायक जो है, पहली महिला विधायक जो है वो है मुथुलक्ष्मी रेड्डी, और मुथुलक्ष्मी रेड्डी जो है वो चेन्नई विधानसभा से, यानी कि मद्रास विधानसभा से नियुक्त करी गई थी सन 1927 में। ठीक है, तब भारत आजाद भी नहीं हुआ था। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, हड़प्पा वासी किस प्रकार के प्राचीन लिपि का प्रयोग करते थे? तो हड़प्पा वासी की जो लिपि है, स्क्रिप्ट जो है, उसको हम लोग बोलते हैं ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में क्या होता है? छोटे छोटे चीजों का पिक्चर बना करके, चित्र बना करके उसको लिखा जाता है, जैसे कि कुछ इस तरीके से इनकी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, उसको मिला करके इन्होंने कुछ चीजें लिखने का प्रयास किया है। लेकिन ये किस तरीके की चीजें हैं आपको पता नहीं चलेंगी, क्या लिखा हुआ है, क्या बना हुआ है, पर कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ है ऐसा माना जा सकता है। तो ये अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ये एक दुखद बात जरूर है, परंतु इन्होंने लिखा है, ये एक अच्छी बात है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल में अपनी नमी सोख लेता है, तो नमी सोख लेने के लिए जो गुण होता है इसको बोलते हैं प्रस्वेदन। प्रस्वेदन का मतलब होता है स्वेटिंग करना। तो स्वेटिंग में ये एक विशेष गुण होता है, इसमें पदार्थ जो है वायुमंडल की नमी को सोख लेता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात हो रही है यहाँ पर। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है ये 8 जून सन 1994 को हुआ था। पहले मैं बता दूं, 8 जून 1984 को प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी जी थी, उनके नेतृत्व में किया गया था। पंजाब के अमृतसर में एक हरमिंदर साहिब है, टेंपल है, जिसको आप अमृतसर टेंपल भी बोलते हैं, वहां पर एक आतंकवादी घटना घटी, और वहां पर उनसे निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने स्ट्रिक्ट जो है वो ऑपरेशन किया, जो कि कह सकते हैं कि एक पवित्र स्थल में खून खराबे का एक कारण बन गया, और इसी वजह से सिखों के द्वारा इसको बहुत ज्यादा, इस घटना को क्रिटिसाइज भी किया गया। तो ये ऑपरेशन को ही ब्लू स्टार बोला जाता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा गया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रम्मन यह इस राज्य की धार्मिक समारोह और अनुष्ठान का नाटक है। तो रम्मन जो है वो कह सकते हैं कि गढ़वाल क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान होता है, और गढ़वाल क्षेत्र आपको कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बेटा, भारत की पहली रेलवे टर्मिनस कौन सी है? तो टर्मिनस के बारे में मैं बता दूं, टर्मिनस ऐसे स्टेशन होते हैं, रेलवे टर्मिनस ऐसी जगह होती है जहां पर ट्रेन आकर के फाइनली कह सकते हैं कि आगे का रास्ता उसके लिए बंद हो जाता है, आगे मूव नहीं करती है, सस्पेंड हो जाती है ट्रेन यहां से,
और फिर इसी रूट के लिए वापस जाती है। जनरली क्या होता है कि ट्रेन जो है वो एक स्टेशन पड़ा और यहाँ से क्रॉस करके आगे चली गई, अगले स्टेशन से क्रॉस करके आगे चली गई, तो कोई तो स्टेशन होगा जहाँ पे ट्रेन जो है आकर के फाइनली क्या हो जाएंगी, ड्रॉप हो जाएंगी और फिर इन्हीं पाथ पे वापस जाएंगी। तो ये जो स्टेशन होगा इसको हम बोलेंगे टर्मिनस। इनमें में से अगर बहुत सारे रास्ते अगर किसी भी स्टेशन में आकर के जुड़ जाते हैं तो इसको बोलते हैं सेंट्रल। दो तीन रूट इधर उधर जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन। और जो सबसे छोटे होते हैं जिसमें छोटी थोड़ी देर के लिए ट्रेन जुड़ती है, एक से दूसरे रास्ते में चली जाती है, फिर इसको बोलते हैं स्टेशन। तो ये हो गए अलग अलग प्रकार की चीज़ें, ये टर्मिनस हो गया, ये आपका सेंट्रल हो गया। सेंट्रल भारत में पाँच हैं, भारत में पाँच जगहों पर सेंट्रल हैं और बहुत सारे हमारे पास में स्टेशन और ये सब हैं। ठीक है, ओके। तो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, लिखा है भारत में पहली रेलवे टर्मिनस कौन सी थी। तो भारत में पहली रेलवे टर्मिनस जो है वो बोरोबंदर थी जो कि मुंबई में ही है और ये स्टैब्लिश की गई थी सन 1849 में। ठीक है, जबकि आपको मालूम है कि 1853 में भारत में पहली रेल चली। ठीक, टर्मिनस पहले तैयार होगा भाई, रेल बाद में चलेगी, नहीं तो रेल रुकेगी कहाँ। अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज के, लिखा है विश्व बैंक के अध्यक्ष को हमेशा किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये अमेरिका के द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो डेविड मालपास जो है ये अमेरिका के ही हैं और ये अध्यक्ष के रूप में, विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के 40 क्वेश्चन जो तो जीएस के थे वो मैंने आपको कंप्लीट कराए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों किसी प्रकार की कोई कमी है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में या फिर हमारा जो YouTube आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं या फिर आप सीधा जो है कॉन्टैक्ट नंबर उसमें दिया हुआ है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आप सब लोग ऐसा करेंगे और प्लीज़ 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 इसको मोटिवेट करिए, बढ़ाइए आगे और कई सारे लोगों तक इसको स्प्रेड करिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड।